गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल ट्रैवल राजीव बोध में। सुबह के बजे हैं 7। महीने बाद आज सुबह सुबह ऐसा धूप देखने को मिला है। बहुत ही खुशगवार मौसम हो चुका है, बहुत शानदार। पूरा एक महीना कड़कती ठंड और कोहरे के बीच में गुजारना पड़ा। बीच में दो चार दिन हमें धूप देखने को तो मिला, लेकिन उतना अच्छा धूप भी नहीं था। अब आज लगता है कि पूरा ऐसा ही रहेगा मौसम और धूप सेकने का मज़ा आएगा। आजकल वैसे मार्केट में काम धाम भी उतना नहीं है, तो धूप सेकने का मज़ा आएगा। और अभी देखिए पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत है धूप निकलने के बाद। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को पीछे का नज़ारा। ये देखिए, बहुत टाइम के बाद ऐसा नीला आसमान देखने को मिला है यहाँ पर। अभी हो चुका है जी ब्रेकफास्ट का टाइम, मैं ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहा हूँ। ये अपना ब्रेकफास्ट, बंद गोभी की सब्जी, चाय और रोटी। ये आ चुका है जी अपना ब्रेकफास्ट, बंद गोभी, चाय और कर्मा चुकी वहाँ रोटी सेक रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के अब तैयार होके निकलने की तैयारी हो चुकी है। अब निकलते हैं थोड़ी देर में अपने काम धाम में और देखेंगे उसके बाद क्या होता है। आप लोग बने रहे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मार्केट में। जैसे मैंने सुबह बोला था आजकल काम धाम नहीं है, तो यहाँ धूप सेकने का मज़ा आएगा। तो अभी आके धूप सेकने का ही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में ज़्यादा कस्टमर तो है नहीं, कस्टमरों का भीड़ तो है नहीं। देखिए खाली पड़ा है मार्केट, अभी धूप सेकने का ही काम है। वैसे आज शनिवार भी है, नहीं तो शनिवार को अच्छा खासा रस रहता है, लेकिन इस बार अभी तो कुछ भी है ही नहीं। एक कदोका कस्टमर है मार्केट में। मार्केट में कस्टमर नहीं होने पर अभी मैं आया हूँ गाड़ी धोने के लिए। यहाँ भी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। चलो पूछ लेते हैं कैसा है। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ सर्विस स्टेशन में। यहाँ बहुत बहुत भारी रश है, आधा घंटा लगेगा बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। मेरे भी गाड़ी का हालत देखो बहुत ख़राब है। देखिए कितना कितना मिट्टी है, अंदर भी बाहर भी सब जगह यही हाल है। तो मैं यहाँ पर अभी आधा घंटा रुकने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो आधा घंटा रुक जाऊँगा और उसके बाद ही ले जाऊँगा। देखिए यहाँ पर बुरा हाल है गाड़ी का, अंदर बाहर जहाँ भी देखेंगे मिट्टी मिट्टी है। जैसे तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितना धूल है। बाहर भी और काफ़ी, वहाँ पर जहाँ खड़ी किया था वहाँ पर काफ़ी सारा स्क्रैच लगा दिया है गाड़ी में। अभी लग चुका है अपना एक बंदा अपने गाड़ी में, अंदर हवा हवा मारना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा साफ करते हैं बोलते हैं यहाँ पर। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है अपनी गाड़ी का नंबर। अब देखिए उनसे डस्ट को रिमूव कर रहे हैं अंदर का, और उसके बाद अब जाएगा धुलाई में। धुलाई होके तैयार होके पहुंच गया हूँ जी मैं अपने मार्केट में। और अब देखो कुछ इस तरह हो गया है, बिल्कुल नया ताज़ा जैसा लग रहा है गाड़ी। उतना अच्छा तो नहीं धोया वैसे उन्होंने भी, पहले एक बार तो ऐसे ही रद्दी जैसा धोया, फिर दोबारा ले गए गाड़ी तब धोया, तब जाके थोड़ा अच्छा सा हुआ। नहीं तो पहले तो उन्होंने भी ऐसे ही गंदा जैसा ही धोया था अंदर भी। अब तो बिल्कुल चकाचक हो गया है, देख सकते हैं अंदर भी बिल्कुल सही हो गया है। अरे अभी मैं गाड़ी धो के पहुँचा हूँ, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ उतना ही है जितना पहले था। इस बार
कोई चांस नहीं है कि सामान खत्म होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखते हैं आखिरी के दिनों में क्या होता है। देखो ये वाला गली तो बिल्कुल खाली है, इसमें दो तीन ही कस्टमर हैं, थोड़ा बहुत कस्टमर इस गली में है, बाकी तो काफ़ी सारा सोना ही पड़ा हुआ है। और इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।